नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है प्रजातंत्र ग्लोबल न्यूज और सच तक और एटीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सनी नाथ। आज हमारे बीच में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा जी बैठे हुए हैं और इनसे बात करेंगे। जो अभी जिस प्रकार से देखा जाए, कल चुनाव का जो प्रचार था वो बंद हो चुका है, उसके अब देखते कैसा सपोर्ट मिला इनको। जिस प्रकार से इन्होंने प्रचार किया है काफ़ी जगह जाके, और आपने वीडियो भी देखी है, बहुत प्रेम दिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे जानेंगे इनका क्या कहना है और किस पार्टी की सरकार आती है। और हमारे बीच में बाबा ओमनाथ जी महाराज, जो विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष है हरियाणा के, वो भी उपस्थित हैं। इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे ये सर। जिस प्रकार आगे जाओ, माइक देखना चाहिए, उठ जाओ माइक देखना चाहिए। जिस प्रकार से अगर हम बात करें, जो कल चुनाव के पार्टियों ने अपने प्रचार बंद कर दिया, उसके विषय में आपका क्या कहना है? कल 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है। पहले तो मैं पंकज कुमार शर्मा, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय लोकवादी पार्टी, जो 23 राज्यों के समर्थन से बनी है और भारत के 5 दिशा के समर्थन से बनी है, चुनाव में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी ने भारत जनता पार्टी को समर्थन दिया और सभी 70 विधानसभा के लिए समर्थन दिया है। और ये समर्थन क्यों देना पड़ा? ये दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई थी, देशभक्तों के बीच में, गद्दारों के बीच में। अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी और अस्तित्व को मिटाने की लड़ाई थी। एक तरफ वो लोग थे जो अस्तित्व को मिटाना चाहते थे, जिनका काम था मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे देश को बर्बाद करना, रोजगार को कोई साधन नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे बढ़े। एक तरफ वो लोग थे जो भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दिल्ली विश्व का सबसे सुंदर शहर बने। इसीलिए भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी ने दिल्ली में समर्थन दिया। और बात रहा केजरीवाल जी का, तो केजरीवाल जी का तो हमने नाम ही रखा है झूठ ना। जिस प्रकार से अगर बात करें, जिस प्रकार से अगर हम बात करें समर्थन कैसा मिला है आपको पब्लिक का, और पब्लिक ने जिस प्रकार कैसा आपको सपोर्ट दिया है? पूरे 70 विधानसभा में पब्लिक ने भरपूर आशीर्वाद दिया, भरपूर समर्थन दिया है। और हमें उन्होंने कहा है, जिस हिसाब से बिना शर्त आपने पंकज जी समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, इसके लिए बहुत आपका विले तारीफ। जिस प्रकार से आप कई जगह गए, तो केजरीवाल जी के बारे में आपने क्या क्या सुना है, क्या क्या बातें सुनी है पब्लिक से? केजरीवाल जी के बारे में लोगों ने कहा कि उनकी करनी और कथनी में फर्क है। पहले उन्होंने बच्चे की कसम खाई, रायती नहीं करूंगा, रायती कर ली। आपकी अदालत में उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय उन्होंने कहा भाई हमें रायती नहीं करनी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि छोटी गाड़ी में घूमेंगे, बड़ी गाड़ी में घूमने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करके बिजली का बिल आधा करेंगे। भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ गया, लेकिन बिजली का बिल जो उन्होंने आधा किया, सब्सिडी पे किया, मतलब जो टैक्स पे ही हैं उनके जेब पे हाथ डालने काम किया गया। लोगों ने कहा कि केजरीवाल झूठा है। अच्छा बाबा जी, आपका क्या कहना है? आप सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप क्या कहना चाहेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर के? दिल्ली चुनाव के कहना क्या चाहेंगे, सरकार बनाएंगे, साधुओं की सरकार है, योगी जी की सरकार है जी, कन्फर्म करते हैं जी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं। इस विषय में इस पे तो कोई टिप्पणी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेलाग और बेदाग और कन्फर्म करने वाला प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं। समर्थन मिला है, और जो समर्थन मिला है भारतीय लोकमत राष्ट्रीय पार्टी का, तो जो अच्छी पार्टियां हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो मोदी जी योगी जी से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि देश का सुरक्षा समानता का सवाल है। अब ये केजरीवाल जी के ऊपर हम क्या बोलें? केजरीवाल जी का कहना है, उन्होंने जैसे काम के ऊपर वोट मांगा है, जो उन्होंने काम किया उसके ऊपर कह रहे पब्लिक हमें वोट देगी और हमें जीता करके विधानसभा में ले जाएगी। देखिए, केजरीवाल से हमारी कोई एलर्जी नहीं है, पर जो जिस काबिल इंसान है नहीं उसके ऊपर अब फ्री की बात आ रही है। फ्री हम ये क्या देंगे? फ्री कुछ नहीं दिया सकता। फ्री देने के लिए तो हमारे पास है, हम देंगे फ्री। हम जैसे बैंकों के लोन जो कन्वेंस पे जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनके ऊपर जो बैंकों के गलत तरीके से इस्तेमाल कर्जे हैं उनको हम ठीक करवाएंगे। और दिल्ली के अंदर जो है यातायात के ऊपर हम बिल्कुल अंकुश लगा देंगे, भीड़ ख़त्म कर देंगे, ये भी कन्फर्म है। तीसरा के जैसे टीवी चलते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल चलता है, वो ऐड दिखाएगा, वो उसके पैसे सरकार जनता नहीं देती है, जनता देती है पैसे
फिल्म देखने के, समाचार देखने के, आध घंटा तक हर कोई भी न्यूज चैनल है वो अगर उसने ऐड दिखानी है तो टीवी फ्री करवा देंगे आप। अच्छा, जिस प्रकार से बात करें केजरीवाल जी को लेकर के, तो केजरीवाल जी का कहना ये भी है, कहा है हमने जिस प्रकार से देखा जाए हमने बहुत काम किए हैं, बहुत विकास किए हैं और विकास के ऊपर हम वोट मांग रहे हैं, पर पब्लिक का कहना ये है जय केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से देखा जाए इन 4.5 सालों में कोई काम नहीं किया क्योंकि मोदी जी ने उनको काम नहीं करने दिया, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी किसी को रोकता थोड़ी ना है। देखिए, जब जंगल में मैं एक एग्जांपल दूं, एक टीचर जो है बच्चों को पिकनिक पे लेके गया तो पेड़ के नीचे लंच करने वाले लगे बैठ गए, तो एक टीचर ने कहा कि भाई अगर यहाँ शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो जो होशियार थे, जो इस किस्म के जो बालक थे वो चुप हो गए। तो एक पीछे बैठा था हमारे जैसा पागल, क्योंकि अभी तो ये पॉलिटिक्स जो है नाथ पंथ के साधुओं को एक दूसरी ग्रह का आदमी समझते हैं, हमारे नाथ पंथ के साधुओं को नहीं जानते हैं ये लोग क्या होते हैं, अभी तो मोदी जी को भी नहीं पता। चुनाव लेकर आप पब्लिक से क्या कहना चाहते हो? कल मतदान है, सभी जनता अपने अपने मतों का दान करेगी, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी लगा हुआ आचार संहिता और कल 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है जी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है जी। लेकिन मैं दिल्ली प्रदेश की जनता से ही कहना चाहूँगा, अपने मतों का प्रयोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए करें। एक ऐसी सरकार का निर्माण करें, एक ऐसी सरकार को लाएं जो देश हित में बात करे, जाति धर्म क्षेत्रभाषा की बात न करे, रोजगार के लिए बात करे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बात करे, कृषि के लिए बात करे, मजदूरों के लिए बात करे, हर घर में खुशियां पहुंचाने के लिए बात करे। ऐसी सरकार को दिल्ली के प्रदेश की जनता लाए, मैं जनता से आग्रह करता हूँ। देखिए, रोजगार अगर देना चाहे सरकार, तो अभी जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 लाख आदमियों को तो रोजगार हम कन्फर्म करते हैं दिल्ली के अंदर, जो कि सरकार से पैसा भी नहीं लेंगे उनकी सैलरी के लिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो करना नहीं चाहते हैं ये लोग, वो उनको रोजगार की ज़रूरत है, उनको काम की ज़रूरत है। दिल्ली के अंदर जैसे जमुना का बेला है, जो जमुना की वो DDA की कन्फर्म लैंड है, मगर वहाँ के लोग उस जमीन के जो जिनकी पहले हक था जमुना, और वो DDA लैंड है, कन्फर्म बोर्ड लगे हुए हैं, वो आज भी उन गरीबों से जो है ना मलाहों की जमीन है, आज भी उनसे पैसा वसूलते हैं। ये सब मैं बंद करवा दूंगा जी, धन्यवाद। हाँ, और रोजगार के हॉस्पिटल जो है सरकारी हॉस्पिटलों को ऐसे बना देंगे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सरकारी स्कूलों को हमें केजरीवाल ने एक स्कूल के ऊपर 25 लाख रुपये खर्चा किया है, 25 पैसों से काम ही इतना चलता, खर्चा तो हो जाए मगर एक स्कूल एक कमरे के ऊपर आप 25 लाख रुपए खर्चा करेंगे और तो स्कूल में। केजरीवाल जी का ये भी कहना है जिस प्रकार से जो स्कूल है, क्या उन्होंने इन 5 सालों में स्कूल का काफी विकास किया है, जिस प्रकार से उनकी एडे देखते हैं, आप भी देखते होंगे अपने ये सब। एक देखिए, मैं आपको 650 करोड़ खर्च किया है सिर्फ विज्ञापन में, और ये गरीब जनता की पैसा है, जनता को लूटने काम किया उन्होंने। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी नेशनल चैनल में सिर्फ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का ही विज्ञापन आएगा, ये फिर भी सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना करते हुए इन्होंने नेशनल चैनल पे अपना विज्ञापन दे के बहुत बड़ा गुनाह किया है, पाप किया है। विज्ञापन अपना सिर्फ अपना चेहरा चमकाने काम किया है, अपना चेहरा चमकाया और खर्चा सरकार का हुआ है, इनके ऊपर मैं केस करने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। धन्यवाद। अरे, ये तो इसने तो अपनी बीमारी ठीक करवाई है, खांसी ठीक करवाई है इसने तो, और इसने दिल्ली को और खांसी कर दी। धन्यवाद।